हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम इंसान को नहीं समझ पाते, उसकी परिस्थितियों को नहीं समझ पाते और अपनी समझ से हम उसका मूल्यांकन करने लगते हैं, जो कि कभी कभी गलत भी हो जाता है। हेलो लिसनर्स, मैं हूँ तृप्ति, लाई हूँ आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी और ये है आप सबका हिंदी कहानियाँ चैनल। सुनाती हूँ आपको एक केकड़े की कहानी। एक केकड़ा था जो कि मिट्टी में चल रहा था और उससे उसके निशान मिट्टी पे बने जा रहे थे। वो पीछे मुड़ मुड़ कर उन्हें देखता और उसे बहुत खुशी होती। वो आगे चलता और अपने निशानों को देख के बहुत खुश होता, क्योंकि एक सुंदर सी डिजाइन बन रही थी। ऐसा वो बार बार कर रहा था। इतने में एक लहर आती है और लहर आते ही उसके पैर के सारे निशान मिट जाते हैं। तब वो गुस्से में लहर से बोलता है, अरे लहर, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तब लहर ने बोला कि अरे जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ मछुआरे पीछे आ रहे हैं और वो तुम्हारे पैरों के निशानों को देख के आसानी से तुम्हें पकड़ सकते हैं और वो ऐसा कर भी रहे हैं, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे निशान मैंने मिटा दिए और वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो गई है। तो देखा आपने, वो उसके साथ गलत उसे लग रहा था, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ उसकी जिंदगी के लिए। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमें इंसान को समझना चाहिए और इसकी परिस्थितियों को समझकर फिर उसका आकलन करना चाहिए, तो शायद हम सच्चे इंसान की परख कर पाएंगे। लाती रहूंगी ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज आप सभी के लिए। बने रहिए चैनल पे।